वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो है फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसमें आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है टॉपिक। तो आइए स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फिक्स्ड कॉस्ट होती क्या है। व्हाट इज़ फिक्स्ड कॉस्ट? कॉस्ट रिलेटेड टू द यूज ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स आर नोन एज फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि वो कॉस्ट जो फिक्स्ड फैक्टर से रिलेटेड होती है उसे कहा जाता है फिक्स्ड कॉस्ट। जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है इसे सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट भी इसे कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम में फिक्स्ड कॉस्ट ना पूछकर सप्लीमेंट्री कॉस्ट या ओवरहेड कॉस्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट भी पूछा जा सकता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट मैंने आपको क्या बताया कि वो कॉस्ट जो किससे रिलेटेड होती है, फिक्स्ड फैक्टर से रिलेटेड होती है, उसे कहा जाता है फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट आइए प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट के सिंपल प्रिंसिपल कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? फर्स्ट पॉइंट आप देखिए, एक्सपेंडिचर ऑन मशीन एंड प्लांट, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट होती है जो कॉस्ट फिक्स्ड रहती है, यानी कि वो कॉस्ट तो हमको उठानी पड़ेगी ही पड़ेगी। जैसे कि एक्सपेंडिचर ऑन मशीन एंड प्लांट, मशीन और प्लांट के ऊपर जो एक्सपेंडिचर हुआ, जो खर्चा हुआ वो हमें उठाना पड़ेगा, वो होती है फिक्स्ड कॉस्ट। सेकंड पॉइंट, एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग के ऊपर जो खर्चा किया गया उस वो भी अपनी फिक्स्ड कॉस्ट है। लाइसेंस फीस, लाइसेंस की जो फीस होती है वो भी अपनी एक फिक्स्ड कॉस्ट है, यानी कि हमें देनी ही पड़ेगी। वेजेस एंड सैलरीज ऑफ परमानेंट स्टाफ, परमानेंट स्टाफ की जो वेजेस और सैलरीज होती हैं ये भी फिक्स्ड कॉस्ट के अंडर आती हैं, क्योंकि ये फिक्स्ड कॉस्ट है। ये हमें जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनको वेजेस और सैलरीज जो होती है परमानेंट स्टाफ को देनी ही पड़ती है, तो ये अपनी आती है फिक्स्ड कॉस्ट। यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसमें कोई चेंज नहीं आता, जो हमें कंपल्सरी देना ही होता है। नेक्स्ट है ये वेरिएबल कॉस्ट, दोज कॉस्ट विच आर रिलेटेड टू यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? वो कॉस्ट जो वेरिएबल फैक्टर से रिलेटेड होती है उसे कहा जाता है वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट जो होती है इसमें थोड़ा सा क्या होता रहता है, वेरिएबल कॉस्ट जो होती है इसमें चेंज आता रहता है। तो इसके प्रिंसिपल कंपोनेंट्स क्या होंगे? सबसे पहला कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल की कॉस्ट, यानी कि किसी ईयर अपनी रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो कम आई और दूसरे ईयर में वो कॉस्ट ज़्यादा आ गई, तो यानी कि वेरिएबल कॉस्ट जो होती है ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। हमें एक फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो फिक्स्ड नहीं होता कि हमें देनी है, इसमें क्या होता रहता है, चेंज आता रहता है। तो सबसे पहला कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, किसी बार हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है और कभी हमें ज़रूरत नहीं भी होती। वेजेस ऑफ कैजुअल वर्कर्स, जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं यानी कि जो टेम्परेरी वर्कर्स होते हैं, ये भी इनकी कॉस्ट भी क्या होती है, इनकी जो वेजेस होती है वो भी कैसी होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है। वेयर एंड टीयर एक्सपेंसेस, कहते हैं वेयर एंड टीयर, यानी कि मशीन में कोई टूट फूट हो गई तो उसकी जो कॉस्ट आती है वो भी वेरिएबल कॉस्ट होती है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा ही मशीन में टूट फूट हो। कई बार ऐसा होता है मशीन जो होती है अच्छी क्वालिटी की होती है तो वो लॉन्ग टाइम तक चल जाती हैं, तो इसलिए इसे तो वेरिएबल कॉस्ट के अंदर इसको इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, में डिफरेंस क्या पाए जाते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में। फर्स्ट पॉइंट आप देखिए, द कॉस्ट इंक्योर्ड ऑन द फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होती है, वो कॉस्ट जो कहाँ से इंक्योर होती है, फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर। सेकंड पॉइंट, कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, चाहे आउटपुट इंक्रीज हो या आउटपुट डिक्रीज हो, यानी कि आउटपुट के इंक्रीज या डिक्रीज होने से फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो क्या है, फिक्स्ड है। थर्ड पॉइंट पे आइए, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट इवन वेन आउटपुट इज जीरो। कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो हमेशा बोलने से पता चल रहा है जो कॉस्ट फिक्स्ड है, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो कॉन्स्टेंट रहती है चाहे अपना आउटपुट क्या हो, जीरो हो। फोर्थ पॉइंट पे आइए, फिक्स्ड कॉस्ट आर इंक्योर्ड इवन बिफोर आउटपुट एक्चुअली स्टार्ट। कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो पहले ही इंक्योर्ड कर ली जाती है जब अपना आउटपुट स्टार्ट होता है। नेक्स्ट आइए वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट आर द कॉस्ट इंक्योर्ड ऑन द वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है, जो वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से इंक्योर्ड होती है। सेकंड पॉइंट, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी तो अपना आउटपुट भी इंक्रीज होगा, और वेरिएबल कॉस्ट अगर डिक्रीज होगी तो अपना आउटपुट भी डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आउटपुट पर डिपेंड करती है, कि अगर आउटपुट बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, और आउटपुट कम होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो जाएगी। थर्ड पॉइंट कहता है वेरिएबल कॉस्ट आर जीरो व्हेन आउटपुट इज जीरो। कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट जो होती है अगर वो जीरो होती तो इसका मतलब आउटपुट भी अपना क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और लास्ट फोर्थ पॉइंट कहता है वेरिएबल कॉस्ट आर इंक्योर्ड ओनली व्हेन आउटपुट एक्चुअली स्टार्ट्स, और वेरिएबल कॉस्ट केवल कब इंक्योर्ड होती है, जब अपना आउटपुट स्टार्ट होता है, ठीक है। जबकि फिक्स्ड कॉस्ट हमने पढ़ा था कि आउटपुट स्टार्ट होने से पहले ही वो अपनी इंक्योर्ड होनी शुरू हो जाती है।
तो ये थी स्टूडेंट्स अपनी आज की वीडियो, जिसे मैंने आपको बताया फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में क्या डिफरेंस पाया जाता है। एग्जाम में आपसे ऐसे कंपोनेंट से पूछे जा सकते हैं और डिफरेंस के तौर पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।